आज हम करने जा रहे हैं फिर से एक और चैप्टर फ्रॉम द बुक अपनी जबान क्लासिक्स उर्दू एनसीईआरटी। सो मैं ये चाहती हूँ कि जितने ज़्यादा क्लासिक्स के बच्चे इस सीरीज से जुड़े उतना मेरा भी फ़ायदा होगा, क्योंकि मुझे मिलेगा मोटिवेशन ताकि मैं और वीडियोस बना सकूँ, ठीक है। और दूसरी बात, बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा बिकॉज क्लासेस प्रॉपर तरीके से हो नहीं रही हैं इन द ऑनलाइन मोड, और हो भी रही हैं तो आधे से ज़्यादा बच्चों के पास उस टाइम मोबाइल फ़ोन नहीं होता जिस टाइम क्लास हो रही होती है, क्योंकि घर में काफ़ी सारे मेम्बर्स होते हैं, ठीक है, हम ये सब जानते हैं। और इस सब को समझते हुए भी हमें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, ठीक है। आप लोग प्रेशर में मत आइए, बाकी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा धीरे धीरे, बट अभी आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट मोड है क्लास 6, 7 और 8। अगर ये आपने अच्छे से कर लिया तो आपका 9, 10th और आपका 11, 12th, अगर आप नहीं भी पढ़ोगे ना 9, 10th में तो भी अच्छे से कर लोगे, क्योंकि 9, 10th का जो बेस है वो यहीं से बनेगा। आधी से ज़्यादा चीज़ें आप यहीं सीखोगे 6 से 8 तक। 50% सिलेबस जो है ना वो आपका 6 to 8 में कवर हो जाएगा, बाकी उसका थोड़ा सा एडवांस मोड आपको क्लास 9 और 10th में पढ़ना है, ठीक है। आपको थोड़ी सी बात मेरी अजीब लग रही होगी बट यही सच्चाई है, जो 6 to 8 पढ़ाई नहीं करेगा उसको 9, 10th में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। एक अच्छे स्टूडेंट के कंपेरिजन में उसको 4 से 5 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके वो उसके बराबर खड़ा हो पाएगा, ठीक है। तो अभी से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो, और किसी भी सब्जेक्ट को छोटा और बड़ा मत समझो कि मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उर्दू बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, हिंदी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंग्लिश बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा मत समझो। सब सब्जेक्ट्स को बराबर इंपॉर्टेंस दो, ठीक है। अगर आप रोज 1 घंटा पढ़ते हो तो कम से कम हफ्ते में हर सब्जेक्ट को 1-1 घंटा पढ़ो, ठीक है, मिनिमम, ओके, क्योंकि आपको अपना बेस इम्प्रूव करना है। आप नहीं जानते आप 11th में जाके या आप ग्रेजुएशन में जाके क्या सब्जेक्ट लोगे, तो अभी से अपने हर सब्जेक्ट को मजबूत करके चलो। किसी को बड़ा मत समझो, किसी को छोटा मत समझो, ठीक है। तो चलिए, फिलहाल तो अभी हम उर्दू को ही कवर कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे जल्दी उर्दू हमारी कवर हो जाएगी क्लास 6 की, मैं दूसरे सब्जेक्ट लूँगी, ठीक है, पर पहले हम अपनी उर्दू कवर अप कर लेते हैं ताकि एक सब्जेक्ट तो पूरा हो जाए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो है ईदगाह। और ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताती हूँ ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। इसके जो राइटर है ना वो है मुंशी प्रेमचंद, और मुंशी प्रेमचंद जो है उनकी जो स्टोरीज हैं, एक तो वो स्टोरीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, ये जो ईदगाह नाम की स्टोरी है ना, ये आपको आगे भी पढ़नी पड़ सकती है, ठीक है, जब आपकी क्लास बढ़ती जाएगी तो हो सकता है ये स्टोरी आपको दोबारा पढ़नी पड़े। तो बेहतर होगा कि अभी इस स्टोरी को आप हल्का सा इसका आइडिया आप ले लो, ठीक है, पढ़ लो। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये वाली वीडियो देखो, जो कि लंबी वीडियो रहेगी काफ़ी, बट अगर टाइम नहीं है तो आप शॉर्ट वीडियो में चैनल पर लाती रहती हूँ हर चैप्टर से रिलेटेड, ताकि वो बच्चे भी पढ़ाई कर सके जिनके पास टाइम नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेज उतने लंबे समय के लिए नहीं मिल पाते, घर पे एक ही मोबाइल फ़ोन है, बड़ी मुश्किल से टाइम अरेंज कर पाते हैं, तो वो बच्चे शॉर्ट वीडियो देख लें जा करके, ताकि उनका नुकसान ना हो, कम से कम चैप्टर का थोड़ा बहुत आइडिया उनको हो जाए, ठीक है। तो आप वो शॉर्ट वीडियो देख लेना जो कि 5 से 10 मिनट के बीच में ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। सो हाँ, ईदगाह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना, ठीक है, इसको स्किप बिल्कुल मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलो मैं शुरू कर रही हूँ। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई, कितनी सुनहरी और रंगीन सुबह है, ठीक है, सुबह है, ओके। दरख्तों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ रंगीनी है, आज सूरज कितना प्यारा है, कितना ठंडा है, गोया दुनिया को ईद की मुबारकबाद दे रहा है। गांव में कितनी चहल पहल है, ईदगाह जाने की धूम है, किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो वो पड़ोस के घर से सुई तागा लेने जा रहा है, किसी के जूते सख्त हो गए हैं वो इन्हें तेल और पानी से नरम कर रहा है, ठीक है। तो बेसिक सी बात ये है कि चैप्टर की जो शुरुआत है, स्टोरी की जो शुरुआत है, ये एक स्टोरी है, और इसमें जब आप पढ़ोगे ना तो कुछ चीज़ें ऐसे जा सकती हैं, ठीक है, ऊपर से जा सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्किप कर देना, बीच में इसको ज़रूर, मतलब आप, मैं तो आपसे ये कहूँगी कि जो लोग डिटेल्ड वीडियो देख रहे हैं वो भी पहले शॉर्ट देख कर आएँ, ताकि उनको स्टोरी का एक आइडिया लग सके। ये स्टोरी ऐसी है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी बीच बीच में, और हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो, इसलिए पहले इस स्टोरी का आइडिया ले लो कि स्टोरी है क्या। तो चैप्टर की शुरुआत मौसम के हाल से हो रही है कि मौसम कैसा है। तो आज ईद का दिन है, अब जो मुस्लिम
मुस्लिम बच्चे हैं वो तो जानते हैं ईद क्या होती है, बट जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो नहीं जानते ईद क्या होती है। तो ऐसा होता है इस्लाम के अंदर कि 30 दिन रोजे होते हैं, रोजे यानी कि फास्ट यानी कि व्रत जिनको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो व्रत रखे जाते हैं फ्रॉम सुबह से लेकर के यानी कि सूरज उगने से पहले से लेकर के शाम सूरज ढलने के बाद तक का हम कुछ खाने पीना नहीं होता है आपको, ठीक है। और आपको जितना हो सके वेल बिहेव करना होता है पूरे दिन, और अपने अपने मतलब अच्छे से अच्छा आपको रहना होता है, ठीक है। गलत कामों से दूर रहना चाहिए मैक्सिमम पॉसिबल, इसको बोलते हैं रोज़ा, ठीक है। तो ये 30 दिन लगातार, रमजान का एक महीना आता है साल में, उसमें 30 दिन लगातार आपको रोज़ा रखना होता है। उसके बाद में हम जब 30 मतलब जो इस्लाम के अंदर जब 30 दिन आपके पूरे हो जाते हैं तो उस दिन आपकी ईद सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है। ईद में क्या होता है, ईद में सबसे पहले तो आपको सुबह जा करके जो घर के लड़के होते हैं, जो आदमी होते हैं, वो सब मेल मेम्बर्स जा करके मस्जिद नमाज पढ़ते हैं। फिर नमाज पढ़ने के बाद में कई जगह कई शहरों में जो मस्जिद होती है, जो ईदगाह होती है, उसके आसपास मेले लगे होते हैं, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो वहाँ से कुछ ना कुछ खरीदते हैं, ठीक है। फिर वो लोग जो है वो घर आते हैं तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर वो लोग साफ़ सुथरे कपड़े, मतलब अच्छे अच्छे से, मतलब आजकल लोगों ने नया निकाल लिया है कि भाई नए कपड़े होने चाहिए, वो नहीं है। अगर इतना है कि अगर आप मस्जिद जा रहे हो तो आप खुद अपने बेस्ट में जाओ, यानी जो भी आपका बेस्ट है उसमें जाओ। जैसे आप किसी पार्टी में जाते हो तो आपके पास जो भी आप बेस्ट कपड़े होते हैं वो आप पहन कर जाते हैं, इसी तरीके से जब आप मस्जिद जा रहे हैं तो आप साफ़ सुथरे अपने बेस्ट कपड़े पहन कर जाएं, ना कि नए कपड़े पहने, महंगे कपड़े पहने, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो लोग अपने नए कपड़े नहीं, जो जिनके पास नए होते हैं वो नए पहन कर जाते हैं, जिनके पास नहीं होते हैं, क्योंकि गाँव की स्टोरी है और गाँव में अक्सर ऐसा होता है कि रिसोर्सेज उतने ज़्यादा नहीं होते, है ना। आप में से बहुत सारे शहर के बच्चे होंगे, उन्हें स्टोरी पढ़ते में ऐसा लगेगा अरे बटन ढूंढने जा रहा है, अरे जूते में पानी क्यों डाल रहा है, आपको लगेगा ओवर जाएंगी चीज़ें, बट ऐसा नहीं है। जब भी रिसोर्सेज कम होते हैं तो आपके पास जो चीज़ें पुरानी होती हैं आप उन्हीं को ठीक करके नया कर लेते हो, ठीक है। तो वही इस स्टोरी में होगा, इसलिए जो बच्चों के ऊपर से जाने वाली है उनको मैं अभी से क्लियर कर देती हूँ कि ये स्टोरी एक गरीब परिवार की है, और गरीबी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे कोई अर्निंग मेंबर नहीं है, वहाँ कमाने वाला कोई नहीं है। और इस स्टोरी के अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनकी थोड़ी थोड़ी अपनी अपनी बैकग्राउंड है, उसके बारे में भी हम देखेंगे, बट बेसिकली आज जो दिन है वो ईद का दिन है स्टोरी के अंदर। और ईद जो है वो इस्लाम के अंदर बहुत खुशी का त्यौहार होता है, बल्कि सबसे ज़्यादा खुशी वाला त्यौहार, यानी इस्लाम का जो सबसे मेजर त्यौहार है वो ईद का त्यौहार होता है, क्योंकि इस पे मीठा बनाते हैं, सेवइयाँ बनाते हैं, ठीक है। और मतलब खुशी का माहौल होता है, काफ़ी अच्छा माहौल होता है। तो इसीलिए ईद जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम अगर कहें तो हिंदुइज़्म में जैसे दिवाली होती है ना, हर तरफ रोशनी, खुशियाँ, मिठाई, उस तरीके से दिवाली आप कह सकते हैं। तो इस्लाम ये एक दिवाली टाइप दिन होता है, तो ईद का दिन है स्टोरी के अंदर। और इस दिन जो है वो सभी सभी लोगों को ईदगाह जाने की धूम मची हुई है कि आज तो हम ईदगाह जाएंगे। क्यों मची हुई है, क्योंकि ईदगाह के बाहर जो मेला लगता है वहाँ पर जाकर के बच्चे कुछ खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो भले ही बच्चों ने रोज़े नहीं रखे, एक भी रोज़ा नहीं रखा, बट फिर भी उन्हें जाना है, ठीक है। आप जानते हैं कि जब भी कोई त्यौहार होता है तो बच्चों को नहीं पता कि वो क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, कब मनाते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें मतलब है तो त्यौहार से, त्यौहार में होने वाले एंजॉयमेंट से, ओके। सो स्टोरी में आज ईद का दिन है, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई। अब आपको ये लाइन समझ में आ रही होगी, ठीक है। कितनी सुनहरी और रंगीन सुबह है, ठीक है। तो कितनी मतलब एक एक्साइटमेंट की वजह से वो सुनहरी और रंगीन लग रही है, बाकी तो वो रोज़ जैसी ही है। दरख्तों पर कुछ अजीब हरियाली है, तो ये हरियाली अजीब बिल्कुल नहीं है, ये किसी के दिल की फीलिंग्स हैं, क्योंकि हरियाली तो रोज़ जैसी होगी, वो तो बदल नहीं जाएगी। ये फीलिंग्स हैं जिनकी वजह से बाहर की सब चीज़ें जो हैं वो अजीब लग रही हैं, वो नई लग रही हैं, वो खूबसूरत लग रही हैं, रंगीन लग रही हैं। खेतों में कुछ अजीब रौनक है, खेत से हमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये स्टोरी जो है वो गाँव की है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉपर गांव की है, एकदम खेत वगैरह है वहां पर और खेतों में हरियाली हो रही है, ठीक है। आसमान पर कुछ रंगीनी है, आसमान में भी कुछ रंग से दिखाई दे रहे हैं। आज सूरज देखो कितना प्यारा है, आज का जो सूरज है वो कितना प्यारा है। अब आपको ये सारी चीज़ें ऊपर से जाएंगी, आपको समझ में नहीं आएंगी, क्यों नहीं आएंगी, इसका रीज़न है।
बिकॉज जो राइटर है वो आपको ये मैसेज बताना चाहता है कि आज इतना खूबसूरत माहौल ईद की वजह से उसे लग रहा है, ऐसा है नहीं। समझ गए आप? जैसे जिस दिन आपका बर्थडे होता है तो उस दिन आपको ऐसा लग रहा होता है कि वाओ अब तो सब लोग मुझे देखेंगे, सब मुझे विश करेंगे। तो छोटे बच्चों में अक्सर ये चीज़ होती है बहुत ज़्यादा, तो वैसा ही है। उस दिन बदला कुछ नहीं होता, रोज़ जैसा ही सूरज होता है, रोज़ जैसा ही आसमान होता है, बट आपको कुछ नया लग रहा होता है कि आज तो बहुत स्पेशल दिन है मेरे लिए, है ना। वही वाली बात है कि जब है तो सब कुछ वैसा ही, लेकिन जो राइटर है, जो लिखने वाला है, उसको ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ बदल गया है। ठीक है, बहुत कुछ खूबसूरत आज के माहौल में है। आज सूरज देखो कितना प्यारा है, कितना ठंडा है, गोया गोया दुनिया को ईद की मुबारकबाद दे रहा है। यानी ऐसा लग रहा है सूरज को देखकर कि इसने भी अपनी गर्मी को आज कम कर दिया है। सूरज बहुत गर्म होता है, लेकिन और ख़ास तौर से अगर हम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में देखें, यानी कि जो हमारा वाला एरिया है जहाँ से ये बिलोंग करते हैं मुंशी प्रेमचंद यूपी से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से। और यहाँ अगर हम देखें यूपी के अंदर, तो जब गर्मी होती है ना हमारे यहाँ, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। ठीक है, जो सूरज है ना वो तपने लगता है, ऐसा लगता है ज़मीन में से आग निकल रही है, बहुत गर्मी हो जाती है हमारे। तो जो मुंशी प्रेमचंद का जो एरिया है वो भी यही है। तो यहाँ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरज ठंडा होने से मतलब ये है कि क्योंकि यूपी में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद पूरे इंडिया में कहीं और इतनी गर्मी नहीं होती होगी, क्योंकि बाकी का जो एरिया है वो कहीं ना कहीं समुंदर से टच में है। पर ये जो हमारा वाला एरिया है ये ज़मीन से जुड़ा हुआ है ना। अगर आप मैप में देखें तो यहाँ का जो क्लाइमेट है, जो वेदर है, वो काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है। सर्दियाँ तो एक दो महीने ही आती हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया सब NCERT पढ़ते हैं, और उर्दू जो भी लोग पढ़ रहे हैं उनको मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को मेंशन किया है। तो मुंशी प्रेमचंद सूरज को ठंडा होने के लिए इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आज सूरज ठंडा हो गया है। क्यों हो गया है ठंडा? क्योंकि वो भी चाहता है कि लोगों को पता चले कि आज क्या है, ईद है, इसलिए उसने अपनी गर्मी को, यानी वो जो इतनी गर्मी करता है ना दुनिया में, उसको आज के लिए उसने कम कर लिया है। ठीक है, ईदगाह जाने गांव में कितनी चहल पहल है। चहल पहल कहते हैं जो बहुत ज़्यादा रौनक होती है ना, सब लोग इधर से उधर जा रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सा माहौल है। आप किसी भी फेस्टिवल के टाइम अगर देखें घर से बाहर निकल के, तो आपको दिख जाएगा कि आज कितनी चहल पहल है, सब लोग कितने खुश हैं, इधर से उधर चल रहे हैं, कोई किसी के घर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई जा रहा है कहीं पर भी। ठीक है, तो उस तरीके की चहल पहल यहाँ पर हम देख रहे हैं। ईदगाह जाने की धूम है। धूम क्या है यहाँ पर? धूम कहते हैं उनको, एक्साइटमेंट है कि वो ईदगाह जाएंगे आज। ठीक है, उस एक्साइटमेंट के लिए धूम वर्ड को यूज किया गया है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो वो पड़ोस के घर से सुई तागा लेने जा रहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, असल में यहाँ पर हम देखते हैं कि क्योंकि ये स्टोरी जहाँ की है वहाँ रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, गाँव की स्टोरी है, और इस गांव के अंदर ज़्यादातर जो आप जो मतलब बहुत कम रिसोर्सेज हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो वो अपने पड़ोस वाले घर से सुई धागा लेने गया है, सुई तागा लेने गया है, जिसको हम धागा बोलते हैं उसको यहाँ तागा बोला गया है। ठीक है, तो वो लेने गया है ताकि वो सुई और धागा, ताकि वो अपने बटन को लगवा सके और उसका कुर्ता जो है वो पहनने लायक हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता चलती है कि किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, यानी बटन निकल गया है, कुर्ता पुराना है, तो वो नए उसी कुर्ते में बटन लगाना चाहता है। किसी के जूते सख्त हो गए हैं, वो इन्हें तेल और पानी से नरम कर रहा है। ठीक है, किसी के जूते सख्त हो गए, यानी अगर आपने लेदर के शूज़ पहने हों, जो चमड़े के जूते होते हैं, तो उन्हें समय समय पर तेल पिलाना पड़ता है ताकि वो वापस से थोड़े से मतलब उनका साइज सही रहे। अगर आप उनको नहीं पिलाएंगे तेल, यानी उन तेल नहीं डालेंगे उनमें, तो वो श्रिंक हो जाते हैं और उनका साइज छोटा हो जाता है। और जाहिर सी बात है जब रिसोर्सेज कम होते हैं तो जूते आपने एक बार खरीद लिए, फिर उन्हें रख दिया, फिर आप किसी त्यौहार पे उनको पहनेंगे। ठीक है, और ये काफ़ी पुरानी बात है, ये आज की स्टोरी नहीं है। तो उस दौर में जो जूते हैं किसी के, तो वो श्रिंक हो गए हैं। अब वो उनको तेल पिला पिला के, उनको पानी पिला पिला के, यानी उनमें डाल डाल के वो उनको सॉफ्ट करना चाह रहे हैं, उनको फैलाना चाह रहे हैं ताकि वो पहन के जा सके मस्जिद। ठीक है, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। दोपहर कहते हैं पहर,
दिन में कई सारे पहर होते हैं, ठीक है। जो सुबह का वक्त होता है वो पहला पहर होता है, जो दोपहर का वक्त होता है वो दूसरा पहर होता है, इसीलिए उसको दो पहर बोलते हैं, ठीक है। तो ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी, यानी कि सूरज सर पे आ जाएगा, काफी लेट हो जाएंगे। लड़के सबसे ज्यादा खुश हैं, यानी इस त्योहार में सबसे ज्यादा खुश लड़के होते हैं। अब यहाँ लड़के वर्ड यूज करने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। देखिए, पहली चीज तो ये है कि जिस दौर की स्टोरी है वहां पे लड़कियों को इतना ज्यादा मतलब लड़कियां जो हैं वो छोटी उम्र में शादी हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उनका इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, है ना। मस्जिद जो है वो सिर्फ लड़के जाते हैं, लड़कियां घर पर ही रहती हैं। घर पर आज के दौर में भी मस्जिद तो नहीं जाती हैं लड़कियां, ठीक है, घर पर ही रहती हैं, घर पर ही अच्छे से कपड़े पहन लेती हैं, और उसके बाद में वो घर का जितना भी काम होता है, सेलिब्रेशन की तैयारियां, वो सब घर में औरतें और लड़कियां ही करती हैं। इसीलिए लड़के खुश हैं का मतलब ये है, क्योंकि वो मेले में जाने का मौका सिर्फ उन लड़कों को मिलने वाला है ना। इसलिए तो लड़के खास तौर से बहुत ज्यादा खुश हैं। किसी ने एक रोजा रखा, वो भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी इन्हीं का हिस्सा है। यानी कि किसी ने एक रोजा रखा है, बेसिकली ईद है क्या, ईद ऐसा है जैसे कि आपने 30 रोजे रखे,